सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से। अभी मैं नहा धोके रेडी हो चुका हूँ और पूजा भी मैंने कर लिया है। थोड़ा बहुत मैंने गुजिया खाया था जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो चलो अब रेडी करते हैं, अपने क्लाउड किचन की तैयारी शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद अभी ओपन होने वाला है मेरा क्लाउड किचन, तो साफ सफाई कर ली जाए, थोड़ा सेट वगैरह कर लेता हूँ सामान। तो ये आज के ऑर्डर्स मेरे पास आना स्टार्ट हो गए थे 1 बजे से, क्योंकि मॉर्निंग में होली था तो मे बी इस रीजन से कोई भी सर्विस नहीं दे रहा था जोमेटो, तो राइडर असाइन नहीं हो पा रहा था किसी भी मतलब लोकेशन में। तो ये सबसे पहला ऑर्डर आया था मेरे पास स्विगी से, जो कि था स्पाइसी पनीर पिज्जा का। वैसे तो इस टाइम में स्विगी का ऑर्डर कम आता है, वैसे ज्यादातर शाम के टाइम ही आता है स्विगी में, बट आज तो भाई 1 बजे ही ऑर्डर आ गया इसका। तो मैंने फटाफट से ऑर्डर को रेडी करना स्टार्ट किया और बाहर देखा तो भाई डांस चल रहा था होली का। ये लोग तो अलग ही दुनिया के मजे ले रहे हैं, सारे के सारे बंदे पीके टुन। इस भाई का डांस का स्टेप देखो, भोजपुरी हीरोइन भी इनके सामने तो फेल है। पीने के बाद तो इंसान को होश ही नहीं रहता कि भाई मैं कर क्या रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि भाई ने पूरा इंजॉय किया है होली को आज। इतने में मेरा पिज्जा भी बन के रेडी हो गया, तो फटाफट से मैंने इसको पैक किया और राइडर को देने चला गया। इस ऑर्डर को जैसे ही मैंने हैंडओवर किया, उतने में आ गया मेरे पास जोमेटो का ये ऑर्डर था एक कॉर्न अनियन पिज्जा का और साथ में मिस्टर मोटू बर्गर। 1 बजे के बाद से मेरे पास इतने सारे ऑर्डर आ रहे थे कि आपसे बिल्कुल भी बात करने का मेरे को टाइम नहीं मिला। इस ऑर्डर को बना के मैंने जैसे ही कंप्लीट किया, इतने में एक और ऑर्डर मेरे पास आ गया, तो मुझे रश आर का ऑप्शन ऑन करना पड़ा फिर। और आज जितने भी राइडर थे मैंने देखा कि सबके सब बैग लेके आए थे, क्योंकि होली का टाइम चल रहा है तो मे भी यार देखो कोई पानी फेंक देगा, कोई गुलाल फेंक देगा या फिर कोई बलून फेंक देगा, तो इसीलिए उनका लॉस ना हो जाए तो इसीलिए सारे के सारे बैग लेके आज आ रहे थे। इस ऑर्डर को बनाते बनाते मेरे पास एक और ऑर्डर आ गया जो कि था स्पाइसी पनीर पिज्जा का, तो फटाफट से मैं ये बनाने लग गया। अच्छी तरीके से चीज वगैरह डाल के मैंने फटाफट से इसे अवन में डाल दिया। अब पिज्जा बॉक्स भी खत्म हो गए थे तो फटाफट से मैं बनाने लग गया इन्हें। ऑर्डर के साथ में इतनी हड़बड़ी मच जाती है जब बॉक्स वगैरह भी खत्म हो जाते हैं। अभी वो पिज्जा बॉक्स भी खत्म हो गए थे तो अब दोबारा से बना रहा हूँ फटाफट से। ऑर्डर आ रखा है उसको तो बना दिया मैंने। अभी एक ऑर्डर मैंने हैंडओवर किया, अभी एक ये बना रहा हूँ, अभी ये भी होने ही वाला है, इसको भी मैं पैक ही कर देता हूँ, नहीं तो यार मैं ये भी फिर दिक्कत हो जाएगी। बस होने वाला है थोड़ी देर में। एक तो यार ये बाहर इतने ज्यादा शोर मचा रहे हैं ना लोग, होली 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 के करके, मतलब होली के नाम पे ऐसे करते हैं ना कि क्या बोले। होली यार मतलब अच्छे से मनाओ, शांति से मनाओ, थोड़ा इतना हल्ला गुल्ला मत करो। एक तो यार इतनी गर्मी लग रही है, गर्मी में तो लग रहा हालत खराब हो जाएगी। कस्टमर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी मंगाया है तो कोल्ड ड्रिंक मैंने डाल दिया है। फटाफट से पैक करता हूँ, देन फिर आता हूँ आपके पास। इस ऑर्डर को भी फटाफट से पैक करने के बाद मैं चला गया राइडर को हैंडओवर करने। अभी मैंने राइडर को ऑर्डर हैंडओवर किया है और भाई मतलब इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं और इतना शोर कर रहे हैं ना बाहर एक, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि आज तो सारे राइडर बैग लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर वो बैग नहीं लेके आएंगे तो उनको भी पता है कि मेरा ऑर्डर खराब हो जाएगा पूरा, पानी वगैरह फेंक देंगे आज बच्चे वगैरह जो भी है, इसीलिए वो बैग वगैरह लेके आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो राइडर नॉर्मल होंगे ना जिनमें बैग वगैरह नहीं होगा तो शायद वो नहीं आ रहे हैं, बाकी सारे राइडर बैग लेके आ रहे हैं आज। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, हीट इतनी ज़्यादा होती है ना ओवन की, ऐसा लगता है कि अब यहाँ भी एक वो लगवाना पड़ेगा एसी। बाकी चलो ऑर्डर वगैरह निपटा दिया, मैं साफ सफाई कर लूँ थोड़ी यहाँ पे, देन फिर आपके पास आता हूँ। जैसे ही किचन साफ करने के लिए गया वैसे ही एकदम से भाई 3 पिज्जा के ऑर्डर आ गए। ये तीनों पिज्जा ही आपके चीज पिज्जा थे और साथ में कस्टमर ने एक मिस्टर पतलू बर्गर भी ऑर्डर किया था। आज मेरे पास कंटिन्यूसली ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब हमेशा क्या होता है ना डेली कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है 1 घंटे हाफ एन आवर का या 2 घंटे का कभी कभी, बट आज तो मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। चीज पिज्जा की मुझे यही सबसे अच्छी बात लगती है कि ये फटाफट बन जाता है, क्योंकि इसे बेक होने में टाइम ही लगता है, क्योंकि ओवन के अंदर जाते ही इसका चीज जल्दी से मेल्ट हो जाता है तो इसे ज्यादा देर तक बेक नहीं करना पड़ता। आज तो मैं काफी सारे ऑर्डर्स की वीडियो नहीं बना पाया, उसका रीजन यही है कि भाई इतने सारे ऑर्डर आ रहे थे कंटिन्यूसली कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। अब इस ऑर्डर को जितने में मैं पैक कर ही रहा था कि उतने में मेरे पास 2 पिज्जा के ऑर्डर और आ गए। आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों ने अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया है, तो आप लोग भी बताना कि होली के दिन आपके पास कितने ऑर्डर्स आए। आज तो जोमेटो ने भी कमाल कर दिया, मेरा जो आउटलेट है उसको 2nd नंबर पे सीधा रैंक कर दिया। जब मैंने जोमेटो पे पिज्जा डाल के सर्च किया तो मैंने क्या देखा भाई, 2nd नंबर पे ही मेरा जो आउटलेट है वो शो कर रहा है। अब इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये भी है कि मुझे रेटिंग भी बहुत अच्छी मिल रही है आजकल, 5 स्टार की रेटिंग्स वगैरह मिल रही है। बहुत कम ही लोग हैं जो कि 1 या 2 की रेटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि उनका पिज्जा बेस जो होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है साइड से और सॉफ्ट नहीं बनता उनका, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि चीज़ को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है चारों तरफ, और उसके बाद आपको इसमें मोज़रेला चीज़ भी डालनी है
और चीज जो आप डालोगे लिक्विड चीज वो आप ज्यादा क्वांटिटी में डालना ताकि अंदर अच्छे से बेस उससे सॉफ्ट हो जाए। चीज में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना क्योंकि पिज्जा का असली मजा चीज से ही आता है। अगर चीज नहीं डालोगे तो भाई आपका पिज्जा का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फटाफट से ऑर्डर को बनाने के बाद मैंने इसे भी कर दिया हैंडओवर राइडर को। आज होली की वजह से इतने ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं कि मतलब क्या बताऊं, दिमाग खराब हो गया, हालत खराब हो गई है भाई। अभी भी इसके अंदर एक अभी पिज्जा है, आप बालों की हालत देख रहे होगे बहुत, मतलब एक तो इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, सामान खत्म हो गया। देखो सुबह मॉर्निंग में पूरा पड़ा हुआ था, सब खत्म गायब। अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि स्विगी में तो आ नहीं रहा है। अब जाऊंगा शॉप पे, देखता हूँ वहां पर मिलता है कि नहीं मिलता बेस, नहीं तो मुझे फिर यार बर्गर ही ऑन करना पड़ेगा और पिज्जा ऑफ ही करना पड़ेगा। फिर फटाफट से भाग के जाता हूँ और भाग के आता हूँ। ये एक लास्ट ऑर्डर था तो इसको देने के बाद मैं फटाफट से निकल गया था बेस लेने के लिए क्योंकि मेरे पास बेस बिल्कुल भी नहीं था। ये बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, देखो पूरा ये लेके आया स्टॉक में। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से ऑन कर लेता हूँ मैं जोमेटो को। फटाफट से ऑन करता हूँ जोमेटो को क्योंकि मैंने ऑफ किया था स्विगी एंड जोमेटो को दोनों को। और जैसे ही मैंने इसे ऑन किया दोबारा मेरे पास पिज्जा के कुछ ऑर्डर्स आ गए। मतलब इतना ज्यादा आज ऑर्डर आ रहा है कि मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। आजकल तो मतलब सारे ही लोगों को पिज्जा बहुत ही अच्छा लग रहा है और बर्गर की तो मतलब बात ही अलग है। वो तो मतलब बर्गर तो एक तरीके से ये लगा लो कि बेस्ट सेलर में ही है और लोगों को इतना ज्यादा वो पसंद आ रहा है कि मतलब उस पे तो 5 स्टार से भाई नीचे रेट ही नहीं मिलता है मुझे। और हाँ, जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पिज्जा को किस तरीके से बनाना है, चीज क्या डालनी है, कैसे करना है, तो आप देखो सबसे पहले मैंने पिज्जा सॉस लगाई इसमें, उसके बाद मैंने लगाया लिक्विड चीज, देन थोड़ी सी मोजरेला चीज डाली है, उसके बाद मैंने इसमें वेजीज वगैरह डाली, देन दोबारा मोजरेला चीज मैंने इसमें डाली है। तो आपको इसी तरीके से पिज्जा बना के देना है जैसे मैंने अभी आपको बताया। बेक का टाइम होता है 8 to 10 minutes का और आपको 250 डिग्री पे इसको बेक करना पड़ता है। 5 मिनट का आपको प्री हीट का टाइम देना है इसको। 5 मिनट पहले आपको ओवन को ऑन कर लेना है अपना पिज्जा डालने से पहले। और काफी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपकी पिज्जा की रेसिपी क्या है, आप पिज्जा कैसे बनाते हो, क्या चीजें उसमें डालते हो। तो देखो अभी मैंने आपके सामने ये पिज्जा बनाया है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको पिज्जा सॉस लेना है, आपको लिक्विड चीज लेनी है, मोजरेला चीज लेनी है, वेजीज लेनी है, यही सारी चीजें डाल के आपको अपना पिज्जा बनाना होता है। जैसे मैंने अभी बनाया है सेम वैसे ही बनाना है आपको। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या फिर कमेंट करके। तो फटाफट से इस ऑर्डर को रेडी करके मैंने पैक कर दिया और राइडर को हैंड ओवर करने चला गया। भाई रात के 12:30 हो चुके हैं और इतने सारे आज ऑर्डर आए ना कि क्या बताऊं, हालत खराब हो गई मतलब बढ़िया तरीके से एकदम। तो चलो अब चलते हैं जब लाइटें वगैरह ऑफ करके, क्योंकि अब बिल्कुल हालत नहीं है भाई कि मैं अब यहाँ पे रुक पाऊंगा क्योंकि मेरी कमर पूरी टूट गई है एंड अब मुझे चाहिए रेस्ट। तो चलो गाइस अब आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाऊंगा आपसे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और इसको एडिट करने में बहुत टाइम जाने वाला है अब मेरा। तो फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके बाय।